जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप भी ITBP ट्रेड्समैन के अभ्यर्थी हो दोस्तों, आपको इंतजार होगा कि आपका रिटन एग्जाम वो कब तक होगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, सभी का जो ट्रेड टेस्ट है वो खत्म हो चुका है। तो अब दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में वोटर कैरियर, कुक, स्वीपर, बार्बर, मोची, नाई, सभी की बात करने वाले कि इनका एग्जाम कब तक होगा। साथ में दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, ITBP ट्रेड्समैन में आपका जो ट्रेड टेस्ट हुआ था उसके नंबर भी आपको शो रहे, आप उसमें क्वालिफाई हो या नहीं हो, हो तो आपके कितने नंबर बन रहे दोस्तों, वो भी आप ऑफिशियली ITBP की साइट पे जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करने वाले। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आपको अपने ट्रेड के नंबर कैसे देखने हैं, आप क्वालिफाई है अनक्वालिफाई है, क्वालिफाई तो आपके कितने नंबर तक ट्रेड टेस्ट में बने, आप किस प्रकार चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं आपको करना क्या होगा, चलो देखते हैं ऑफिशियली। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो जो ITBP की ऑफिशियली साइट है दोस्तों, उस पर हम आ चुके हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना, ITBP सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे इसी प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होके आने वाला है। उसके नीचे मैं बताऊँ तो आपको नीचे देखोगे तो आपको ITBP की जो ऑफिशियल साइट है वो मिलेगी। उसके नीचे आप देख सकते हो ITBP रिक्रूटमेंट और पर्सनल लॉगिन है, तो आपको पर्सनल लॉगिन करना है। पर्सनल जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो दोस्तों एक नया पेज आपके सामने ओपन होके आने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हो, यूज़र नेम, आपको अपने यूज़र नेम लगाने, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आपने अपना यूज़र नेम क्या लगाया था, साथ में अपने पासवर्ड लगाने और जो कैप्चर नंबर है वो लगाने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल है वो ओपन होके आ जाएगी। दोस्तों आपको करना क्या, आपकी प्रोफाइल ओपन होने के बाद में उसमें अलग से आपको मिलेगा ITBP जो ट्रेड्समैन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका सारा का सारा प्रोसेसिंग मिल जाएगा, फिजिकल आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट है, तो ट्रेड टेस्ट में आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, हो तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद में आपका अगला एग्जाम है वो रिटर्न का एडमिट कार्ड है, वो भी आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों वैसे आप जो इंडियन आर्मी का हम चेक करते हैं उसी प्रकार आप यहाँ चेक कर सकते हो। उसके अलावा इसकी और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को अभी भी डाउट है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा और कितना टाइम हमको मिलने वाला और कितना क्वेश्चन हम पेपर में आने वाला। तो यार दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 1 आवर, मतलब एक घंटे का आपका पेपर इस बार होने वाला है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो टोटल आपके कितने नंबर का आपका पेपर होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 15 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद में जो नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक है, आपकी मैथ है, वो 10 नंबर के आपके मैथ आने वाली है, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। उसके अलावा एनालिस्टिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिनेशन पैटर्न के अनुसार इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ आप रीजनिंग में आपके 15 क्वेश्चन आने वाले और 15 ही नंबर की आपके रीजनिंग आने वाली है। उसके बाद तो टेस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ देख सकते हो 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला। तो टोटल कुल मिलाकर आपके यहाँ क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो 15 और 15 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन ये है, तो 30 और 20 50 क्वेश्चन है और 50 ही नंबर के आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। उसके अलावा मैं बता दूं 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट हुआ था, तो दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, वो 100 नंबर में से इस बार बनने वाली है। 100 में से आपके जितने क्वालिफाई नंबर आ रहे हैं आपकी कट ऑफ इस बार जाने वाली है, सभी ट्रेडों की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो दोस्तों जैसे ही आपका रिटर्न हो जाएगा आंसर की आने के बाद में आपकी कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, और कट ऑफ का भी दोस्तों आपके सामने वीडियो जल्द ही लेके आने वाला हूँ, तो आप अच्छे तैयारी करें। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो जिस हिसाब से आपका सिलेबस दे रहेगा उस हिसाब से आप तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन भी जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम ITBP ट्रेड्समैन से रिलेटेड कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, तो हम उसकी जानकारी आपको सबसे पहले अपडेट करवाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।